गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो शैल वी कंटिन्यू विद द इंडेक्स नंबर्स। सो यस्टरडे वी वेर स्टडिंग टेस्ट ऑफ एडेक्वेसी एंड इन टेस्ट ऑफ एडेक्वेसी वी हैव कंप्लीटेड यूनिट टेस्ट, वी हैव कंप्लीटेड टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड वी ऑल्सो कंप्लीटेड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यू माइट रिमेंबर unit test is satisfied by all index numbers other than simple aggregative index numbers. Time reversal test is satisfied only by Fisher's ideal index and Marshall Edgeworth's index. Then factor reversal test is satisfied only by Fisher's ideal index. Factor reversal test is satisfied only by Fisher's ideal index. And last test है, fourth test of that is circular test. क्या test है? Circular test. तो write down circular test that will complete today. And मैंने बताया था आपको कि other than the circular test, this index number का पूरा syllabus हम complete कर चुके हैं. तो write down circular test. लिख रहे हो क्या? Circular test. Okay. तो write down. If P A B मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर B ऑन ईयर A, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर B ऑन ईयर A इंटू P B C मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर C ऑन ईयर B is directly equal to index number of year C on year A. P मतलब आप price index number ले लो, quantity index number ले लो, जो भी लेना है. Or you can say that if let us say quantity index number of year B on year A into Q quantity index number of year C on year B is equal to quantity index number of year C on year A. Then circular test is said to be satisfied. Circular test is said to be satisfied. Okay, ek example lete hain. Let us say year, samjho 2018, isko hum year A bolenge. Let's say 2019 को ईयर बी बोलेंगे एंड लेट्स से 2020 को ईयर सी बोलेंगे. ओके, एंड लेट्स से प्राइस ऑफ पेट्रोल लेट अस से हियर इट इज 58 रुपीस, से 65 रुपीस एंड लेट्स से 73 रुपीस. ईयर एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल समझो आपको दिया हुआ है, ईयर एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल. ओके, तो आप मुझे बताओ what is price relative of 2019 if base year is 2018. Price relative of 2019 when base year is 2018. So this is as good as P A B matlab index number of year B, year 2019 when base year is A, when base year is 2018. So this is going to be 65 divided by 58 into 100. To hum percentage ke liye karte sirf, to 65 divided by 58 ka answer is 1.12068965517. correct or not? So this is PAB. Similarly, you tell me what is price relative of year C when base year is B. Price relative of year C on base year is B. So it is 73 divided by 65. Answer is 1.12307692307. Now tell me, what is price index number of year C on base year A? Year C on base year A. So answer of this is going to be 73 divided by 58. So this answer is 1.25
8620689 65 एंड आप चेक कर सकते हो बच्चों हियर PAB into PBC which is equal to 1.12068965517 into 1.12307692307 अगर आप ये करोगे तो 1.12068965517 into 1.12307692307 इसका आंसर इज आप चेक कर सकते हो 1.25862068965 के आसपास है कुछ इज विच इज इक्वल टू पी ए सी विच इज इक्वल टू पी ए सी समझ रहा है मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना है तो इफ इंडेक्स नंबर ऑफ बी ऑन ए इंटू सी ऑन बी इज डायरेक्टली इक्वल टू सी ऑन ए इज डायरेक्टली इक्वल टू सी ऑन ए अगर ऐसा टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो वी कैन से दैट सर्क्यूलर टेस्ट इज सेड टू बी सेटिस्फाइड देयरफॉर सर्क्यूलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड सर्क्यूलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड एंड देखो बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ प्राइस रिलेटिव जो है वही ये टेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको वेट दे दिया मतलब आपने फिर लास्ट प्राइस रहने दो पास्ट रहने दो दिस विल नॉट टैली करेक्ट और नॉट तो ओनली ओनली सिंपल इंडाइसेस ओनली सिंपल इंडाइसेस मतलब प्राइस रिलेटिव क्वांटिटी रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव ओनली सिंपल इंडाइसेस कैन सेटिस्फाई सर्क्यूलर टेस्ट कैन सेटिस्फाई सर्क्यूलर टेस्ट करेक्ट सो नो इंडेक्स नो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कैन सेटिस्फाई सर्क्यूलर टेस्ट देयरफॉर यू कैन से दैट लैस्परेज कॉमा पाशेज कॉमा मार्शल एजवर्ड्स कॉमा फिशर्स इंडाइसेस डू नॉट सेटिस्फाई ये अच्छे से लिखो डू नॉट सेटिस्फाई मतलब कोई भी वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई सर्क्यूलर टेस्ट तो अगर समझो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स समझो उसमें यूनिट टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्क्यूलर टेस्ट अगर ऐसे चार ऑप्शंस है तो यू हैव टू टिक सर्क्यूलर टेस्ट क्योंकि सर्क्यूलर टेस्ट इज द ओनली टेस्ट विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स नॉट सेटिस्फाइड बाय Fisher's ideal index. Otherwise, Fisher's ideal index satisfy all three tests: unit test, as well as time reversal test, as well as factor reversal test. Unit test मतलब it is satisfied by every index number other than simple aggregative index number. इसका मतलब it is satisfied by Fisher's ideal index. So, which of the following test is not satisfied by Fisher's ideal index? तो इसका answer है circular test. इसका answer is circular test. Hope you understood, my friends. तो Lasparez, Pashes Marshall Edgeworth's Fisher's indices do not satisfy circular test. Understood this? Yes or no? तो समझा आपको circular test. अगर circular test को detail में अगर लिखना है तो let us say if product of
index number of year B on base year A and index number of year C on base year B is equal to index number of year C on base year A. Then circular test is said to be satisfied. Circular test is said to be satisfied. Circular test कब satisfy हुआ? हम बोलते हैं when index number of let's say year B on base year A into index number of year C on base year A is directly equal to index number of C on base year A, then circular test is said to be satisfied. Circular test is said to be satisfied. Understood, my friends? Yes or no? Kuch gaya dimag mein? So this was your syllabus of index numbers at CA Foundation. Hum kuch miscellaneous multiple choice questions lete just for our प्रैक्टिस रिवीजन या तो एक काम करते पहले बिफोर दैट हम लोग रिवीजन बोल के ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर बोल के मैं कुछ पॉइंट लिख के देता हूँ ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर आप भी लिख देना साथ साथ में आप जो भी मैं सब फॉर्मूले वगैरह लिखूंगा आप भी लिख देना बच्चों आपका भी रिवीजन हो जाएगा ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े ये सब हम एक जगह पे लिखते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर प्लीज राइट डाउन दिस overview of this chapter okay sabse pehle we'll write definition of index number to write down index number is a ratio or average of ratios expressed as percentage two or more periods are involved, one of which is the base period which is used as standard point for comparison next price relative quantity relative and value relative के formula please लिख दो बच्चों आप खुद अभी price relative quantity relative and value relative क्या formula price relative का PN divided by P0 into 100 quantity relative QN divided by Q0 into 100 value relative PN QN divided by P0 Q0 into 100 price relative quantity relative and value relatives okay next base year should be preferably a recent comma
नॉर्मल ईयर, प्रेफरेबली अ रिसेंट कॉमा नॉर्मल ईयर, जिसमें रिसेंट का कोई डेफिनेशन नहीं है. फोर्थ, नेक्स्ट, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स. वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला, समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100. सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100. इसमें हो सकता है कि कुछ प्राइसेस पर लीटर है, कुछ पर किलोग्राम है, पर ग्राम है, कुछ पर लीटर है, जो भी हम डायरेक्टली ऐड करते. वैल्यू इंडेक्स नंबर, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 इज सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर. सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यूज इंडेक्स नंबर. ओके, एक जो थियरी क्वेश्चन है, ओके, इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर, इश्यूज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. इशू मतलब इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम सम डेटा, दैट डेटा इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कलेक्टेड ऑन सैम्पलिंग सर्वे. एक सैंपल लिया जाता है, उससे डेटा कलेक्ट होता है और इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट होते हैं. तो पहला इशू इन्वॉल्व इज सिलेक्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ डेटा, करेक्ट है. अगर मेरे और आपके पास डेटा अलग अलग है तो ऑब्वियसली अलग अलग इंडेक्स नंबर आएंगे. नेक्स्ट, बेस पीरियड, मैंने बेस पीरियड कौन सा सेलेक्ट किया है, आपने बेस पीरियड कौन सा सेलेक्ट किया है, इससे भी इंडेक्स नंबर अफेक्टेड है. देन सिलेक्शन ऑफ वेट्स, सेलेक्शन ऑफ वेट, जैसे वेटेड एग्रीगेटिव में लास्ट पर ने बेस ईयर का प्राइस या क्वांटिटी इज यूज्ड एज वेट, 500 ने करंट ईयर का क्वांटिटी का या प्राइस इज यूज्ड एज वेट, मार्शल एजवर्थ्स ने एवरेज, सो सिलेक्शन ऑफ वेट. देन फोर्थ इज यूज ऑफ एवरेजेस, यूज ऑफ एवरेज, जैसे दिस डॉर्बिस वॉली ने लास्परेज एंड पाशेज इंडेक्स का अरिथमेटिक मीन लिया, फिशर ने लास्परेज एंड पाशेज का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, यूज ऑफ एवरेज. एंड लास्ट इज चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स के बेसिस पे आपको इंडेक्स नंबर जज करना है, राइट. सो दीज आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर. इसका कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, तो कभी एमसीक्यू में आए तो आप देख लेना. दीज आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, करेक्ट है. तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स नंबर हमने लिख दिया. फिर आप बताओ वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का, मैं इसके पहले 2-4 बार समरी लिख के दे चुका हूँ, करेक्ट. लैसपरेज प्राइस इंडेक्स, पाशेज प्राइस, तो मैं सिर्फ वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स इतना लिखता हूँ. आप फॉर्मूले के लिए, आप ऑलरेडी मैं 2-3 बार ये सब लिख के दे चुका हूँ. इसमें हमने कौन से फॉर्मूले देखे, पहला लैसपरेज, बी पाशेज, पाशेज, सी मार्शल एजवर्थ्स फॉर्मूले, देन वी हैव स्टडीड फिशर्स, फिशर्स फॉर्मूले, देन वी हैव स्टडीड डॉर्बिश बाउलीज इंडाइसेस, एंड लास्ट वी हैव स्टडीड वॉल्स इंडाइसेस, करेक्ट है. इसमें से फाउंडेशन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहले 4, लैसपरेज, पाशेज, मार्शल एजवर्थ्स एंड फिशर्स. बट मैंने आपको रिस्क नहीं लेने के लिए ये सब इंडेक्सेस आपको पढ़ा दिए, यस और नो, ओके. ये सब इंडेक्स नंबर हो गए. देन सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स do not satisfy unit test to overcome this limitation we have introduced simple average
of relatives. We have introduced simple average of relatives. Correct? Simple average of relatives. Okay, then link relative and chain relative. दोनों का फॉर्मूला बताओ. Link relative, it is CR of current year. CR of current year divided by CR of previous year. CR of previous year into 100. And chain relative का फॉर्मूला LR of current year. LR of current year into CR of previous year. Into CR of previous year divided by 100. Divided by 100. So these are the formula of link relative and chain relatives. Do you remember or not? Then what is the formula for real GDP? Real GDP. It is nominal GDP divided by wholesale price index. Divided by wholesale price index. Into 100. Real GDP, वैसे real income, real wages का formula आप find कर सकते हो. वैसे अगर आपको purchasing power of a money, purchasing power of money judge करना है, तो you have to use 1 divided by cost inflation index. 1 divided by cost inflation index. 1 divided by cost inflation index. Into 100. अगर आप करोगे तो विल गेट परचेसिंग पावर ऑफ मनी 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट. अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की जगह हो कभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऐसा बोल सकते हैं. दिस इज नोन एज परचेसिंग पावर ऑफ मनी. परचेसिंग पावर ऑफ मनी. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड हाउ टू शिफ्ट द बेस ईयर. हाउ टू शिफ्ट द बेस ईयर. तो शिफ्टिंग शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स या शिफ्टेड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, मतलब एखाद ईयर का नया नंबर इज शिफ्टेड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल इंडेक्स नंबर. ओरिजिनल इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड. इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर. इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर. इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर टू विच base to be shifted. Base to be shifted into 100. And ये formula हम use कर चुके हैं. अगर आपको याद है तो let's say कोई भी index साल का नया index number find करना है तो उस साल का पुराना index number divided by अभी ये जो नया base year है उसका index number into 100. We already used this formula. So this is shifted index number. And last is we have studied tests of adequacy. Tests of adequacy. And test of adequacy में we have completed unit test, we have studied time reversal test, time reversal test, we have discussed factor reversal test, factor reversal test, and we also studied circular test, we have also studied circular test. So these were the tests of adequacy. These are the tests of adequacy. Hope you understood, my friends. Yes or no? These are the tests of adequacy. Unit test is satisfied by all indices other than simple aggregative index numbers. Time reversal test is satisfied by Lasparez and Pasches index. Ek kaam karta, iska bhi summary likh deta hu. It's a test and satisfied by. Test and let's say satisfied by. So let's say unit test. Unit test is satisfied by. Unit test is satisfied by all indices except all indices except simple aggregative. Except simple aggregative index numbers, right? Then time reversal test. Time reversal test is satisfied by Fisher's and Marshall Edgeworth's indices.
then factor reversal test. Factor reversal test is satisfied only by Fisher's indices. And last is circular test is satisfied only by simple indices. No weighted aggregative method can satisfy this circular test. No weighted aggregative method can satisfy this test. So, देखो बच्चों, ये जो भी 11 पॉइंट मैंने बताया, this is a summary of this chapter. Almost ये chapter में हमने जो सब पढ़ा, everything has been covered in this. Everything has been covered in this. इस chapter में हमने जो जो पढ़ा हो सब कुछ, ठीक है? इतना लिख के लो एक बार, वापस पढ़ लो. मैं 2-3 मिनट वेट करता हूँ अभी. ये पूरा 11 पॉइंट सब अच्छे से पढ़ लो. अगर आपने कुछ लिखना बाकी है तो रिवर्स करके वापस लिखो, बट ये 11 पॉइंट्स लिखो. ये आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है फॉर इंडेक्स नंबर्स. और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आईसीआई के बुक में स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यूज दिए हुए वो आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ डीडी सॉल्व करना है, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल में देयर आर एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स. मैं वापस बता दूं आपको, अगर आपको कंफ्यूज होना है तो वो कर सकते हो. इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी को नाम रखने में. मुझे कुछ मिल नहीं रहा है या मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है. मेरा पर्पज एक ही है, तुम्हारा भला हो, ठीक है? आपको लगता होगा कि नहीं 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 सर, ने ऐसे क्यों बताया रहेगा. तो भाई, तुम जब पैदा हो गए थे तब से मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ. कुछ तो सोच के ही बोलता रहूंगा ना मैं. चलो फिर कुछ सैंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके? मैं आपको लिख के दूंगा, आप भी लिखोगे मेरे साथ साथ में. इसी में और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लो पहले, और मैं एक मिनट वेट करता हूँ. अब ये 11 पॉइंट्स पढ़ लो अच्छे से सब. चलो राइट डाउन फ्यू एमसीक्यूज. लिख रहे हो क्या? राइट डाउन फैक्टर रिवर्सल. आप ऐसे समझो कि ये मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपको, एक 20 मार्क का टेस्ट ले रहा हूँ ऐसे समझो. तो आप बोल सकते हो कि इस चैप्टर के बाद सर ने 20 मार्क का टेस्ट लिया. 20 एमसीक्यू मैं कम से कम लूंगा अभी यहाँ पे, ओके? पहले आप बताओगे आंसर, आप जज करोगे, उसके बाद में मैं तो बताने वाला हूँ. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय, ऐसे समझो कि आपका एग्जाम हो रहा है. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय फिशर्स बाय डैश इंडेक्स. फिशर्स इंडेक्स लास्परेज इंडेक्स पाशेज इंडेक्स. None of these. चलो बताओ. Factor reversal test is satisfied by. एक काम करते, चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन लिखो साथ साथ में. अगर आप हो सकता है तो आंसर को टिक करो, जो आपका आंसर है. मैं एंड में सब आंसर डिस्कस करूंगा. A series of numerical figures
a series of numerical figures which show relative position, which show relative position is called, पहला इंडेक्स नंबर, दूसरा रिलेटिव नंबर, थर्ड एब्सोल्यूट नंबर, डी नन ऑफ दीज, थर्ड क्वेश्चन. इंडेक्स नंबर, फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज, इंडेक्स नंबर्स फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 200, 50, 100. फोर्थ क्वेश्चन, डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ए वेट्स, बी क्लासेस, सी एस्टिमेशंस, डी नन ऑफ दीस. डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. फिफ्थ, इंडेक्स नंबर्स, शो डैश चेंजेस, रादर देन, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज, ए रिलेटिव, बी परसेंटेज, डी बोथ, नन ऑफ दीस. सिक्स्थ क्वेश्चन, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर इनटू 100. ट्रू फॉल्स, ये सिक्स्थ क्वेश्चन हुआ. नेक्स्ट, डैश इज एक्सटेंशन टू टाइम रिवर्सल टेस्ट, ए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्क्यूलर टेस्ट, बोथ, नन. नेक्स्ट, इफ P01 into P10 is equal to 1, then dash test is said to be satisfied. Unit time reversal, D circular.
कुछ नहीं यार, 20 क्वेश्चन दूंगा मैं, तो आप लिखोगे तो थोड़ा सा और दिमाग में फिट हो जाता है। मैं क्या ये टाइप करके भी दे सकता था आपको। नेक्स्ट, इफ आई, इफ आई जी आई ए बी इंटू आई बी सी इज इक्वल टू आई ए सी, देन डैश टेस्ट इज सेड टू बी सैटिस्फाइड ए यूनिट बी टाइम रिवर्सल सी फैक्टर रिवर्सल डी सर्क्यूलर। टेंथ, देर आर डैश नंबर ऑफ टेस्ट्स ऑफ एडेक्वेसी, देर आर डैश नंबर ऑफ टेस्ट्स ऑफ एडेक्वेसी ए टू बी थ्री सी फोर डी नन ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय, यूनिट टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय ए लैस्परेज इंडेक्स बी पाशेज इंडेक्स सी मार्शल एजवर्थ्स इंडेक्स डी ऑल ऑफ दीज। डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। 12th, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय लैस्परेज इंडेक्स बी पाशेज इंडेक्स सी फिशर्स इंडेक्स डी ऑल ऑफ दीज। डी ऑल ऑफ दीज। 13th, फिशर्स प्राइज इंडेक्स, फिशर्स प्राइज इंडेक्स इज डैश ऑफ लैस्परेज प्राइज इंडेक्स एंड पाशेज चलो कंटिन्यू करते। फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज डैश ऑफ, फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज डैश ऑफ लैस्परेज प्राइस इंडेक्स एंड पाशेज प्राइस इंडेक्स एंड पाशेज प्राइस इंडेक्स। ओके, ए एम बी जी एम सी एच एम डी मीडियन। 14th क्वेश्चन, डॉर्बिश बाउलीज, डॉर्बिश बाउलीज इंडेक्स इज डैश ऑफ लैस्परे एंड पाशेज इंडाइसेस ए अरिथमेटिक मीन बी ज्योमेट्रिक मीन सी हार्मोनिक मीन डी नन ऑफ दीज।
D, none of these. 15th. Lasparase and Paschase indices do not satisfy A, time reversal test, factor reversal test, C, both of these, D, none of these. Sixteenth question. There is no such thing. There is no such thing as unweighted index numbers. There is no such things as unweighted index numbers. True, false. True, false. Seventeenth, index numbers, bracket mein likho all index numbers are unit free. All index numbers are unit free. True, false. Next, all index numbers satisfy unit test. All index numbers satisfy unit test. True, false. All index numbers satisfy unit test. True, false. Index number is a special type of average. Index number is a special type of average. True, false. When product of price and quantity index number is equal to corresponding value index number, then dash test is said to be satisfied. Dash test is said to be satisfied. Pehla, unit test. B, time reversal. C, factor reversal. And D, circular test. सेट टू बी सेटिस्ट. तो ये 20 एमसीक्यूज मैंने दिए हुए, आपने सब लिखे होंगे. चलो 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, राइट. सबके आंसर्स तुम जो भी है पेंसिल से टिक कर दो. 2 मिनट के बाद में मैं इसके करेक्ट आंसर्स आपको बता दूंगा. तो ऐसे समझो कि ये 20 मार्क का टेस्ट लिया मैंने आपको. ऐसे समझो. दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑन इंडेक्स नंबर्स.
और भी मैं डीडी के प्रैक्टिस के लिए ये पूरा बैच कंप्लीट होने के बाद और कुछ एग्जांपल्स लूंगा रैंडमली, चैप्टर वाइज नहीं रहेंगे वो, रैंडमली बहुत सारे चैप्टर के मिल के भी कुछ, एट द एंड आई विल ऐड फ्यू लेक्चर्स फॉर रिविजन ऑल्सो। करे सॉल्व चलो देखते हैं ऑल दीज 20 क्वेश्चंस का आंसर, आप चेक कर लेना आपका आंसर। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय, टेल मी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय फिशर्स, यस, लैस्परेज, पाशेज, नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सीरीज ऑफ न्यूमरिकल फिगर्स विच शो रिलेटिव पोजिशन, विच शो रिलेटिव पोजिशन या रिलेशन पोजिशन, रिलेटिव पोजिशन होना चाहिए, रिलेटिव पोजिशन इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर, कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर इज 100। डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आंसर इज वेट, बिकॉज वेट्स रिप्रेजेंट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कमोडिटी। इंडेक्स नंबर शो डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंजेस। अब देखो इसमें अलग अलग ऑथर ने अलग अलग आंसर दिया है, मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बोथ, रिलेटिव चेंज एज वेल एज परसेंटेज चेंज आप बोल सकते हो, करेक्ट है। देन प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर इनटू 100, तो दिस इज ट्रू, इज द फॉर्मुला फॉर प्राइस रिलेटिव। देन डैश इज द एक्सटेंशन टू द टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो इसका आंसर इज सर्क्यूलर टेस्ट। देन इफ पी 01 इनटू पी 10 इज इक्वल टू 1, देन यू कैन से time reversal test is said to be satisfied. If IAB into IBC is equal to IAC, then circular test is said to be satisfied. There are dash test, number of tests of adequacy. So there are 4 tests of adequacy. Unit test is satisfied by, it is all of these, because unit test is satisfied by all index numbers other than simple aggregative index number. Time reversal test is satisfied by Lasprey's, no, Pashe's, no, Fisher's, yes, it is satisfied only by Fisher's index. Fisher's price index is the dash of Lasprey's price index and Pashe's price index. So, its answer is geometric mean, correct. Dorbish-Bowley's index is the arithmetic mean of Lasprey's and Pashe's indices. Lasprey's and Pashe's indices do not satisfy. Lasprey's and Pashe's indices do not satisfy time reversal test as well as factor reversal test, because nothing is satisfied by Lasprey's as well as Pashe's index. Correct answer is both of these. There is no such thing called as unweighted index number. There is no such thing. So it is false, because there are unweighted, jab weight nahi, simple aggregative, mein koi weight nahi hai, matlab there are index number which are unweighted. Index number, all index numbers are unit free. True, kyunki index number ko koi unit of measurement nahi hai, koi gram kilogram nahi hai. All index numbers satisfy unit test, false, because all in simple aggregative index number do not satisfy unit test. Dekho unit free alag, unit test alag, samajh rahe ki nahi. Index number is a special type of average, it is true. Then when product of price and quantity index number is equal to corresponding value index number, then factor reversal test is said to be satisfied. Factor reversal test is said to be satisfied. So these were the answers for these 20 questions. So जो भी मैंने सब पढ़ा है
अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। हम लोग और भी एंड में रिवीजन के लिए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले, राइट, बट वो मिक्स रहेंगे, राइट, ऑल चैप्टर के, मतलब और थोड़ा उसमें ज्यादा मजा आएगा जब हमारे सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, तब हम कंबाइंड रिवीजन लेंगे, लास्ट के कुछ लेक्चर्स वो रिवीजन के रहेंगे। आप समझ रहे हो क्या? सो शैल वी स्टॉप हियर माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।